सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। संपर्क करें 1-800-212-3494 पर। जी, जो ट्यूबवेल पे चोरी पे पकड़ा जाएगा उसको 2.5 लाख रुपया 6 लाख तक जुर्माना होगा। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस मामले में थोड़ा सा मीडिया को कहा है, ये क्लियर है कि हमारा पुराना HERC का एक हम पे एक मैसेज था कि अगर ऐसा होता है तो उन पर पेनल्टी जो ट्यूबवेल पे चोरी करे उससे लगाई जाए, पर क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की पावर है अंडर सेक्शन 108 हमने उस पर यह तय करा कि नहीं, हमारा जो पुराना है उसी को मानेंगे, उसको नहीं मानेंगे। तो पुराने में यह था कि 1 मेगावाट पे 2000 रुपया लगता है और वो मतलब 2000 से लेके 10 मेगावाट तक 20,000 रुपया चोरी पे लगा करता है, तो वही पहले वाला रहेगा। कोई नया किसी पे जो कहा है उसे सरकार ने विड्रा कर दिया, वो ऑर्डर नहीं मानेंगे। नंबर दो, बिजली की पोजीशन जो है हमारे बहुत बढ़िया चल रही है इस वक्त। हमारी रोज़ की जो कंजम्पशन है, कल की हमारी 19 करोड़ और 33 हज़ार यूनिट थी, मतलब 19.33 करोड़ यूनिट, अब 19 करोड़ 33 लाख समझो कल हमारी एक दिन की कंजम्पशन थी, जिसे मोटा मोटा अंदाज़ा करो 9,700 मेगावाट। और पूरी हमारी जो लास्ट ईयर के सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कंजम्पशन थी वो 12,185 मेगावाट, तो हम पे 11,000-12,000 मेगावाट रहती है, अभी 9,000 है। मैं समझता हूँ अगले महीने में जाके जून जुलाई में जब ट्यूबवेल ऑन हो जाते हैं, पूरी गर्मी पड़ती है तो 2 महीने सबसे ज़्यादा गर्मी के होते हैं, तब ये कोई 12,000 के आसपास पहुँच जाती है। हमारी पूरी तरीके से हम तैयार हैं, हमारे दोनों खेदड़ के जो यूनिट हैं 600-600 मेगावाट के वो हमारे ऑन है, चल रहे हैं, 1200 मेगावाट वहाँ हमारी। हमें झाड़ली से हमारी पूरी जो मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हमें मिलती है वो हमें अलग मिल रही है। हमारे जो इसके यमुनानगर के दोनों यूनिट हैं वो हमारे दोनों 700 मेगावाट के वो चल रहे हैं। इधर हमारे जो पानीपत के 3 यूनिट है जिसमें 6-7 चल रहे हैं, उसमें 250-250 एक 210 का है, उसमें कोई ट्यूब में दिक्कत थी, वो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। तो पावर हमारे पास कोई इशू नहीं, कितनी भी गर्मी पड़े हमने पूरे इंतज़ाम कर रखे हैं, हम वो करेंगे। कभी कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, पर बिजली के मामले में पहले भी कभी कोई दिक्कत नहीं आई, आगे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्यूबवेल पे हमारा जो है, आप ये समझें कि कोई 5800 करोड़ रुपया खर्च होता है, जिसमें फार्मर्स के हेड पे हम केवल 108 रुपया जाता है, बाकी सरकार सब्सिडी में खर्च करती है। हम 6 रुपये थर्मल, हमारी 5 रुपये कुछ थर्मल की कोस आती है, अगर हम सोलर पावर लेते हैं तो कोई 3.5-3.30 रुपये हमें खर्च आता है, और फार्मर्स को हम देते हैं बाज़ार से, जब इन दिनों में देते हैं, जब हम शॉर्ट टर्म में लेते हैं तो 9-10 रुपये मेगावाट भी, आजकल 7-8 रुपये चल रही है। और जब बहुत गर्मी पड़ने लग जाती है उस वक्त जून के महीने में, पहले वहाँ 15 जून के करीब केरला में, आंध्रा में, तमिलनाडु और कर्नाटका में, उड़ीसा में पहले बरसात आ जाती है, तो वहाँ से जो नेशनल ग्रिड है उनसे हमें पावर मिल जाती है, वहाँ फ्री हो जाती है तो इधर पावर मिल जाती है, तो हमारा एवरेज 7-8 रुपया तब हमें पावर देनी पड़ती है, पर किसान के हेड पे सिर्फ 10 पैसे आती है, तो उनका 108 करोड़ खोलता है, बाकी 5,000 कुछ करोड़ जो है वो गवर्नमेंट सब्सिडी दे के उन्हें किसानों को चला रही है। तो हमारे इस वक्त हमने ट्यूबवेल जो है, हमने कोई सोलर के अभी जो नए हम देने जा रहे हैं, 2018 तक के जितने हमने पैसे, जिन ट्यूबवेलों के पैसे आए थे, लोगों ने जो जमा कराए थे, बुकिंग थी, वो हमने सब क्लियर कर दिए। कोई 200-250 ऐसे ट्यूबवेल रहे हैं 50,000 में, जिनका या तो दो भाइयों का झगड़ा है, या कोई ज़मीनी विवाद है, या फिर किसी किसान ने पूरी टर्म्स, पूरी जो उसके लिए उसके मापदंड है वो पूरे नहीं करे इस करके हैं, बाकी कोई कोर्ट में किसी का स्टे हो रहा है, तो मतलब बहुत माइनर, आप समझो कि 50,000 कनेक्शन में कोई 200-250 ऐसे कनेक्शन जो रुके हुए हैं, बाकी कहीं भी नहीं, सारे कनेक्शन हमने कर दिए। अब हमने 19-20-21 तीन अगले सालों के कनेक्शन उठा दिए, जो कि आप मान के चलो 61,000 हैं, जिनमें 31,000 सोलर मेगावाट है, जिसका आप ये समझो कि 10 मेगावाट तक के हैं, वो हम अगले 6 महीनों में 31,000 जो है वो हम दे देंगे फार्मर्स को, और दूसरे जो 29,000 रह गए वो हम इस एक साल में पूरा कर देंगे। उसके लिए पहले लोगों से कहेंगे, वो पैसा जमा कराएंगे, डिमांड नोट इशू होगा और उसके बाद हम कर देंगे, तो हमने 3 साल के कनेक्शन भी इस साल में पूरे कर देंगे।
ये हमारा बिजली के मामले में सारा है। अब आप इसमें कोई प्रश्न पूछना चाहें तो मेरे से पूछें। सर, अब बिजली का गर्मी का पीक सीजन चल रहा है, कितनी आपूर्ति बिजली की खपत हो रही है, क्या आपके पास प्रबंध किए गए? मैंने अभी आपसे बताया था कि कल हमारी 19.33 लाख यूनिट खपत थी, और उसे अगर मोटे मोटे अंदाजे में कहें तो 8000 मेगावाट थी। और हमारे मतलब हम पूरे तरीके से तैयार हैं, कभी कोई शॉर्टेज नहीं आया, एक मिनट भी कोई नहीं आया। जून जुलाई में मई जून में तेज़ हवाएं चलती हैं, जैसे अभी भी परसों तूफान आके गए हैं, ऐसे में पहले आंधियाँ चलती थी, आजकल हवाएं तेज़ कह दें, उसमें पोल टूट जाते हैं, हमारे यहाँ भी हुआ है, तो उसमें फिर हमें इमीडिएट अरेंजमेंट करते हैं, बराबर दूसरी लाइनों से हम बिजली तो इमीडिएट देते हैं, उन पोल्स को खड़ा कर देते हैं, कभी घंटा आधा घंटा, रात को कहीं तूफान आ गया तो वो दिक्कत आती है, पर उससे फिर भी हमारी टीमें करती हैं। मैं तो बधाई देता हूँ हमारी टीम को कि कोविड के ज़माने में भी उसमें भी लोगों ने बहुत बिजली का बहुत बढ़िया व्यवस्था करी, कहीं भी दिक्कत नहीं आने दी। पिछले दो दिनों में ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, खूब एसी चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, देखिए आपने नहीं नहीं देखिए लोड बढ़ता है, पर मैंने आपसे बताया हमारे पे इस वक्त हमें अगर 25 करोड़ भी यूनिट देनी पड़े तो हमारे पे है, हमारी 19.33। अब हम 7-8 रुपये महंगी जो ज़रूरत हो तो लेते हैं, नहीं तो नहीं देते, शॉर्ट टर्म पे इमीडिएट मिल जाती है। हम कभी भी करें तो हमें सेंटर पूछे, जब भी मांगे तुरंत हमें कहें कि हमें 1000 यूनिट और चाहिए तो उसी वक्त साथ ही साथ मिल जाती है, तो हमें जो ज़रूरत रहती है वो हम दे रहे हैं। देखिए बिजली चोरी के लिए हमने 8 बार साइमल्टेनियसली रेड करे पूरे हरियाणा में, जब पूरी गर्मी होती है तो उस वक्त रेड करते हैं, उसमें जो जितने गेस्ट हाउसेज हैं वो चोरी करते हैं, जो ये हाईवे पे ढाबा जो है देखे ना, पेड़ों पे लाइटें लगी रहती है रात को, 20-20 पेड़ों पर लगाए रखते हैं, सब फ्री में चलाते हैं। जितने छोटी इंडस्ट्री हो चोरी करते, बड़ी इंडस्ट्री कोई नहीं करेगा, जो नॉन इंडस्ट्री है जिनकी अच्छी रेपुटेशन है वो अपना अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं वो बिल देते हैं, छोटी इंडस्ट्री कैंडी इंडस्ट्री भट्टे वाले ये लोग जो है ये चोरी करते हैं, उनको फिर हम कुछ इंडिविजुअल भी करते हैं, बड़े बड़े जो शोरूम बने होते हैं, जैसे कपड़े का शोरूम है, नीचे बेसमेंट में बनाए, ऊपर बनाए, फिर उसके ऊपर बनाए, वहाँ एक एक में 15-15 एसी लगे हैं, वो लोग चोरी करते हैं। गाँव में भी जिनके 3-3, 4-4 एसी हैं उनके मान के चलते हैं कि वो चोरी करते हैं, तो हमारी टीमें लगी रहती है, वो सर्वे करती है, फिर एकदम रेड करते हैं, एकदम आप ये समझो कि 500-500 टीम लगती है, एक टीम में 8 आदमी होते हैं, 4000 आदमी सुबह 4 बजे जहाँ फोर्स की ज़रूरत होती है पुलिस भी ले लेते हैं, वो रेड होते हैं तो बहुत चोरियाँ पकड़ी जाती हैं। एक एक दिन में हम 20-20 करोड़ रुपया रिकवरी होती है, और उसके बाद फिर जो डर के लोग हैं ना, अगले भी अपना कनेक्शन ले लेते हैं, पहले सिक्योरिटी के पैसे जमा होते हैं, मीटर के पैसे जमा होते हैं, फिर रेवेन्यू हमारा आने लगता है, तो उससे चोरी कम होगी तो हमें फ़ायदा होता है। अब मैं जैसे बता रहा हूँ, हमारा पिछले साल जो एरिया रेवेन्यू रिकवरी थी वो 31,000 करोड़ थी, अब के हमारी 34,000 करोड़ है, 3,000 करोड़ बढ़ गया, ये चोरी रुकी तभी हमारा बढ़ा ना जी। हमारा लाइन लॉस 34% था, अब के हमारा लाइन लॉस इस वक्त 11 पॉइंट कुछ है, और मैं इसी साल में हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसे 1 डिजिट में लें, कि इसे 9% पे भी ला के छोड़ेंगे। अगर 9 पे आ जाता है, जब 1% लाइन लॉस कम होता है तो हमारा 300 करोड़ रुपये बढ़ जाता है। जब 2014 में हमने टेक ओवर करा कांग्रेस से, नई सरकार बनी, फिर मेरे से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी थे 5 साल, वो इसके पावर के थे, अब के मेरे पास है, फाइनेंस के बाद सबसे बड़ा महकमा है ये पावर का, और इसमें हमने 34 से इस वक्त 11 पे ले आए, जब 23% कम हो गया तो आप ये समझो कि एक परसेंट जब चोरी कम होती है तो 300 करोड़ रुपया रेवेन्यू बिजली बोर्ड का बढ़ जाता है, तो हमारा 23 में आप समझो कि 6900 करोड़ रुपया बढ़ गया, 3700 करोड़ पहले का घाटा निकला, हमारा अब हम प्रॉफिट में आ रहे, रेवेन्यू बढ़ गया। देखिए मैंने बताया ना, 10 पैसे यूनिट चार्ज करना, हम ले रहे हैं, थर्मल हमारा 5 रुपये कॉस्ट करता है, सोलर हमारी 3.25 रुपये कर रही है, पर हम इसके लिए एक और करने जा रहे हैं, अब हम सारी जगह ये करें कि सिस्टम को हम मॉर्निंग पे लेके आना चाह रहे हैं, कि सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे तक, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिजली की खपत होती है शाम को 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, कि घरों में सब लाइटें ऑन होती हैं, सब लोग उसके बाद तो सो जाते हैं, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा हैवी लोड तब रहता है, तो ट्यूबवेल तो चलते ही चलते हैं, तो दिन के रात के सब चलते हैं, वो भी एक शिफ्ट उसमें आ जाती है, इंडस्ट्री भी पूरी उस वक्त चलती है, तो उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा लोड होता है, पर हम
जो ये करके कि इसको थोड़ा सा उस लोड को कम करने के लिए हम चाह रहे हैं कि ट्यूबवेल मॉर्निंग चले 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, उसमें सोलर पे लाना चाह रहे हैं। उस वक्त हमें बिजली सस्ती मिलती है, 3 रुपये पर यूनिट, 3.75 रुपये मिलती है, तो जो 8 रुपये मिलती है उससे फिर हम 3 पे जाते हैं, तो 5 रुपये हमारा कम हो जाता है। किसान को ये फायदा कि वो दिन में पानी लगाने लग जाएगा। उसको हम सुनो ना, उसको हम हमारे जो ट्यूबवेल्स हैं उनका अपग्रेडेशन कर रहे हैं। ट्यूबवेल को जब 100 उसका लगा देंगे, 100 का ट्रांसफार्मर लगेगा, तो फिर लोड को वो बर्दाश्त कर लेगा, फिर सारे ट्यूबवेल दिन में चलेंगे। उसमें अगर हम 200 हमें ट्रांसफार्मर्स लगाने पड़ेंगे, 200 का मतलब आप समझो 200 करोड़ रुपए हमारा लगा, पर वो जो फ़र्क आए ट्यूबवेल का पानी वो बिजली का, वो 5 रुपये पर यूनिट आएगा। रात को जो हमारा 25 करोड़ यूनिट चलता है उसमें 30% भी ट्यूबवेल का चलता है, तो आप ये समझो कि 8,000 रुपये हमारा 3 रुपये के हिसाब से रोज़ का हमारा 24 करोड़ रुपये बच रहा है, तो हमारा अगले 10 दिन में कवर हो जाता है। तो इसमें हम ये सुधार करके और ठीक लाएंगे ताकि किसान को दिन में पानी लगाने के लिए उसे ट्यूबवेल की लाइट चले।